हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस एजुकेशन। तो आज हम फिर आपके लिए एक और नई जॉब वैकेंसी लाए हुए हैं। इंडियन एयरफोर्स अप्रेंटिस की ये जॉब है जो कि ऑल इंडिया जॉब है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ऐसे ही न्यू जॉब्स अपडेट के लिए। तो अब हम आगे चलते हैं। इंडियन एयरफोर्स अप्रेंटिस की ये जॉब आई हुई है, तो मैं आपको ये जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, इंडियन एयरफोर्स की जॉब आई हुई है, ठीक है। एप्लीकेशन मोड ये ऑनलाइन हो जाएगा। इसकी जो जॉब कैटेगरी है वो डिफेंस जॉब है, जो कि जो लोकेशन मैं आपको बता दूँ, ये जो जो की जॉब है ये आपको कानपुर में जॉब लोकेशन है। अप्लाई कैंडिडेट ऑल इंडिया कैंडिडेट है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और कैसे अप्लाई करते हैं ये भी बताने वाला हूँ, तो आप लास्ट तक रुकिएगा, कहीं जाइएगा मत, ठीक है। और आपसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करना है मेरे को, तो आप कहीं जाइएगा मत, आप लास्ट तक रुकिएगा, क्योंकि ऐसे ही न्यू जॉब्स अपडेट्स हम आपको देते रहते हैं, कोई फेक जॉब अपडेट्स नहीं देते हैं। बाकी बहुत सारे यूट्यूब चैनल से जो फेक अपडेट्स देते हैं, जॉब्स बताते हैं, बट वहाँ से रिटर्न कॉल आता है और आपको कोई पैसे वैसे नहीं देने। कोई भी अगर हम जॉब बताते हैं, अगर वहाँ से कोई कॉल करे या फिर पैसे मांगे, तो आपको जॉब नहीं करना है। यहाँ पर एडमिट कार्ड नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है, एडमिट कार्ड का जेंडर इसका मेल और फीमेल है, ठीक है। जो एप्लीकेशन फीस, मतलब कि जो फ्री पोस्ट है वो कितने, 75 वैकेंसीज है इसमें, पोस्ट 75 है, ठीक है। कौन कौन सी है, फिटर की है 20 वैकेंसी, टर्नर की 5 वैकेंसी है, मैकेनिस्ट की 15 वैकेंसी है, वेल्डर की जो कि गैस और इलेक्ट्रॉनिक है उसकी 10 वैकेंसी इसमें, कारपेंटर की 5 वैकेंसी है, सीट मेटल वर्कर की 10 वैकेंसी है, और इलेक्ट्रिशियन की 10 वैकेंसी है। जो कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें वो 10th पास और ITI ट्रेंड होना चाहिए, और मैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिखा दूंगा, तो आप वहाँ जाइएगा और इसकी पूरी डिटेल आप देख लीजिएगा। इसमें जो एज लिमिट मांगी हुई है वो मैक्सिमम 28 ईयर्स है, ठीक है। इसका जो पे स्केल से इसमें कुछ दे नहीं रखा, बट जब ये 10th पास ITI मांग रहा है तो इसमें कुछ शायद समथिंग 25 से 30 हज़ार के समथिंग में इसकी स्टार्टिंग है जॉब की। इसका जो सेलेक्शन प्रोसेस है वो कुछ एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू होगा। एनी क्यूरी रिगार्डिंग इसमें कुछ फ़ोन नंबर से दिया गया हुआ है, 0512247668 ये फ़ोन नंबर है, आप पूछ सकते हैं। रिटर्न टेस्ट इसका 20 सितंबर को कंडक्ट किया जाएगा, और जैसे इसकी शायद अगर जॉब इसकी जो डेट है वो एक्सटेंड होती है तो हम आपको जल्दी अपडेट कर देंगे। अब इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताता हूँ, तो जो इसकी डेट है वो 26 अगस्त से स्टार्टिंग है, और जो लास्ट डेट है वो 12 सितंबर इसकी डेट है। तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिए भी दिया हुआ है, इस पर आप जा सकते हो, और ये वेबसाइट दी गई है। तो चलिए हम आपको अब इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलने चलते हैं। तो आप यहाँ पर जाइएगा, इसकी वेबसाइट की लिंक जो कि दिशा स्टडी है, इसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से आप यहाँ जाइएगा। HTTP ये दे रखा है वेबसाइट, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके पास एक पेज खुलेगा, ये वाली वेबसाइट है, ठीक है। आप अगर मोबाइल में देख रहे होंगे तो इस साइड जहाँ भी लॉगिन और रजिस्ट्रेशन है, इस साइड पे 3 डॉट्स लिखे होंगे, आप वहाँ जाइएगा। अगर आप लैप या PC में कर रहे हैं तो आपको ये होम, गेट स्टार्ट और 3rd नंबर पर मिलता है अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटी, आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर सेलेक्ट कोर्स ये आएगा, उसमें आपको 3rd नंबर पर सर्च लोकेशन दिखाई देगी, आपको उस पर कुछ नहीं करना, लिखना है आपको वहाँ पर बस कानपुर लिखना है, ठीक है, जिसमें कानपुर देहात और कानपुर नगर आएगी, तो आपको कानपुर नगर पर क्लिक करना है। अब थोड़ा सा वेट कीजिए, तो आप देखिए 264 अपॉर्चुनिटी है इसमें। मैं आपको बता दूँ, ये इलेक्ट्रिशियन की है, ये टर्नर की है, ये अकाउंटेबल की है, ये डाटा एंट्री की है, ठीक है, ये जॉब्स हैं इसमें। तो मैं आपको ले चलता हूँ इसके, आपको क्लिक करना है। जैसे कि हम इलेक्ट्रिशियन की आपको बताते हैं, तो आपको इसको वाले को जो इलेक्ट्रिशियन के नीचे लिखा है इसको कॉपी करना है, और आपको पेस्ट कर देना कहाँ, सर्च ऑफ इस्टेब्लिश नेम में, ठीक है। जैसे ही पेस्ट करते हैं ये बोल्ड में बड़ा वाला अक्षर आ जाता है, तो इस पर अपन एक बार टिक करते हैं। तो ये पूरी अपॉर्चुनिटीज़ की 7 अपॉर्चुनिटीज़ में, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन की है, टर्नर की है, फिटर की है, मैकेनिस्ट की है, वेल्डर की है, और कारपेंटर की, और सीट मेटल की, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताई।
अगर आपको जानना है कि हम इलेक्ट्रिशियन का फॉर्म भरने वाले हैं तो इलेक्ट्रिशियन का फॉर्म के लिए हम कैसे भरें, तो यहाँ व्यू पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप व्यू पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर पूरी डेट डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसमें इस्टेब्लिश नेम कब हुआ है, कोड वगैरह, वर्किंग डेज इसके, ठीक है, इसके पिन कोड वगैरह सब कुछ दे रखा है इसमें। इस एलिजिबिलिटी दे रही, मिनिमम क्वालिफिकेशन में 10th स्टैंडर्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन है, ठीक है, तो यहाँ पर पूरी चीज दे रखी है। जैसे ही आप इस पर अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करते हो, यहाँ पर दे रखा है, इस पर क्लिक करोगे तो इसका एक फॉर्म ओपन होगा, आप उसको फिल करके इसका ऑनलाइन थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे न्यू जॉब्स अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, आपको अगर ट्रिक्स एंड टिप्स की ज़रूरत है कि हम हमारे चैनल पर भी कुछ ट्रिक्स भी लेकर आएँ, कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ जो टफ बहुत ज़्यादा कुछ ट्रिक्स होती जो बहुत ज़्यादा टफ पड़ती है उनको सिंपल करके लाएँ, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि हम किस चीज़ पर हम आपको ट्रिक्स दें, ठीक है। तो ऐसे ही न्यू जॉब्स अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आई बटन को जरूर चेक कर लीजिएगा क्योंकि उस पर लेटेस्ट जो भी जॉब्स होती है हम उस पर